नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं रीनू। नेतन्याहू को ईरान से एक बहुत बड़ा झटका लगा है। ईरान में रहने वाले यहूदी अब इसराइल से लड़ने को तैयार हैं। दुनिया में बहुत कम लोग जानते होंगे कि इसराइल के बाद पश्चिम एशिया में यहूदियों की सबसे बड़ी आबादी ईरान में रहती है और यहां एक यहूदी सांसद भी है। अब ईरान के इसी यहूदी सांसद ने इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को धमकी दी है और कहा है कि अगर ईरान पर हमला करने की कोशिश की तो इसराइल का वजूद ही मिट जाएगा। इसराइल को मिटा देगा ईरान का यहूदी लड़ाका। 1 अक्टूबर 2024 को 2000 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने वाला ईरान क्या इसराइल पर फिर भयंकर हमले करने जा रहा है? ऐसे दावे क्यों किए जा रहे हैं कि ईरान के समर्थन में यहूदियों का एक वर्ग इसराइल का वजूद मिटाने की तैयारी में जुट गया है? क्या वाकई ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के पास यहूदी ब्रिगेड है जो इसराइल का वजूद मिटा सकती है? ये दावे और कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि ईरान में एक यहूदी सांसद ने ऐसा बयान दिया है जिसने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ साथ रक्षा मंत्री योव गैलेंट और इसराइल के टॉप कमांडो के होश उड़ा दिए हैं। ईरान के इस यहूदी सांसद का नाम हुमायूं सामेह या नजफाबादी है जिसने प्रेस टीवी पर बहुत बड़ा दावा कर दिया है। खामनेई की यहूदी ब्रिगेड नेतन्याहू से लेगी बदला। ईरान में एक यहूदी सांसद हुमायूं सामेह या नजफाबादी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को धमकी देते हुए कहा है 1 अक्टूबर को मिसाइल हमले के जवाब में अगर शिया देश ईरान पर इसराइल हमला करता है तो यह नेतन्याहू सरकार की मूर्खता साबित करने वाला कदम साबित होगा। यहूदी सांसद हुमायूं ने नेतन्याहू सरकार को चेतावनी देते हुए प्रेस टीवी पर कहा है कि इसराइल को एक बार फिर से ईरान नया हमला करके चौंका सकता है। हुमायूं नजफाबादी ने यहां तक दावा किया है कि इसराइल की वजह से पूरे पश्चिम एशिया में चौतरफा युद्ध शुरू हो सकता है। इस वक्त इसराइल को दो तरफ से चुनौती मिल रही है। एक तरफ से हिजबुल्ला लगातार नॉर्थ इसराइल में हमला कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान इसराइल पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। समझा यही जा रहा है कि वो हमला 1 अक्टूबर से बहुत ही ज्यादा भयानक होगा। कई लोगों के दिमाग में सवाल कौंद रहा होगा कि ईरान में यहूदी कहां से आ गए हैं और यहूदियों के कट्टर दुश्मन माने जाने वाले ईरान का साथ यहूदी क्यों देंगी। हम आपको एक चौंकाने वाला आंकड़ा दिखाते हैं जो साबित करता है कि ईरान में मौजूद यहूदी पूरी तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के वफादार हैं। वो जितनी मोहब्बत अली खामनेई से करते हैं उससे कहीं ज्यादा नफरत ईरान के यहूदी नेतन्याहू और इसराइल से करते हैं। जरा देखिए इस वक्त ईरान में कितने यहूदी रह रहे हैं। साल 2022 में जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक ईरान में इस वक्त 9,200 से ज्यादा यहूदी रहते हैं। पश्चिमी एशिया में इसराइल के बाद सबसे ज्यादा यहूदी ईरान में ही रहते हैं। 1948 तक ईरान में 1 लाख यहूदी रहा करते थे लेकिन बदले हालातों की वजह से अब ईरान में 9,200 यहूदी बचे हैं। ईरान में रहने वाले यहूदियों को ईरान का वफादार माना जाता है, इसीलिए ईरान के यहूदी सांसद हुमायूं सामेह या नजफाबादी दावा कर रहे हैं कि ईरान को इजराइल नहीं हरा पाएगा। ईरान का खुर्रम चैलेंज। जी हाँ, ईरान की चौथी पीढ़ी के खुर्रम शहर मिसाइल के आने के बाद से ही ईरान का कॉन्फिडेंस हाई है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत भी बेजोड़ है जिसके आगे कभी कभी आयरन डोम भी नाकाम हो जाता है। खामनेई का खुर्रम चैलेंज ईरान को हराने वाला पैदा नहीं हुआ। 1 अक्टूबर को इसराइल पर मिसाइलों की बारिश करने वाले खामनेई भी अब आर पार की जंग करने को आमादा हो चुके हैं।
मिडिल ईस्ट के दावों के मुताबिक ईरान को लग रहा है कि अगर इसराइल पर जल्दी ही दोबारा अटैक नहीं किया तो इसराइल ईरानी सेना के टॉप कमांडर और नेताओं को भी उसी तरह से टारगेट किलिंग कर सकता है जैसे हमास और हिजबुल्ला के धाकड़ नेताओं और कमांडरों को मारा गया है। इसलिए ईरान ने अपनी मिसाइल ताकत के दम पर इसराइल पर भयंकर हमले की तैयारी पूरी कर ली है। खास तौर से हाइपरसोनिक मिसाइलों से ईरान इसराइल पर कभी भी दोबारा हमला कर सकता है। अब आप जरा ये जान लीजिए खामनेई मिसाइलों से ही इसराइल पर हमला करने पर क्यों उतारू हैं। ईरान का जरा ये वीडियो देखिए। इस वीडियो के बारे में ईरान का दावा है कि ये सुरंग बंकर जमीन से 500 मीटर की गहराई में एक पहाड़ी के नीचे मौजूद है। इस सुरंग बंकर में ईरान के F-4 फैंटम जेट से लेकर क्रूज बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को साफ देखा जा सकता है। इस वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि ईरान की मिसाइलें जबरदस्त हमला करने जा रही हैं। ईरान की ये मिसाइलें हर तरफ से लॉन्च हो रही हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS में मिसाइल थ्रेट प्रोजेक्ट की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं जिनकी रेंज अलग अलग है। इसी साल अप्रैल 2024 में इजराइल पर किए गए ईरान के पहले हमले के बाद ईरानी न्यूज आउटलेट ISNA और द ईरान प्रीमियर के जरिए ईरान की मिसाइल क्षमता के बारे में जानकारी दी थी जिसमें ईरान के ऐसी 9 मिसाइलों को दिखाया गया था जो इसराइल को पूरी तरह से तबाह कर सकती हैं। और ईरान ने ऐसा करके भी दिखा दिया है। हम आपको बता दें कि अमेरिकी वायुसेना के जनरल केनेथ मैकेंजी ने 2023 में कांग्रेस को बताया था कि ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ये रिपोर्ट 2.5 साल पहले की है। अब तो और भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान के पास हो सकती हैं। कुछ रिपोर्ट में तो यहां तक दावा किया गया है कि ईरान के पास 2 लाख से ज्यादा मिसाइलें हैं जो इसराइल को आसानी से तबाह कर सकती हैं। ईरान की सबसे नई मिसाइलों में मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रम शहर ने इसराइल के होश उड़ा दिए हैं। ईरान के खुर्रम शहर के नाम पर बनी खुर्रम शहर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। खुर्रम शहर मिसाइल की स्पीड 9878 किलोमीटर प्रति घंटे से 19756 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच है जो इसराइल पर बहुत भारी साबित हो सकती है। वहीं शहाब-3 मिसाइल की रेंज 1300 किलोमीटर है जो 8640 किलोमीटर की रफ्तार से हमला करती है जबकि शहाब-4 की रेंज 2000 किलोमीटर जो ध्वनि से 3 गुना रफ्तार से हमला करती है। इमाद की रेंज 1700 किलोमीटर है, इसकी स्पीड का खुलासा नहीं किया गया है जबकि ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल फतह मिसाइल की अधिकतम स्पीड 16000 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक गति से उड़ान भरती है। फतह मिसाइल साउंड की चाल से 5 गुना तेज रफ्तार से उड़ान भरती है। इसके अलावा ईरान की इमाद और गदर मिसाइल ने इसराइल पर पहले चरण का हमला करके इसराइल को चौंका दिया था। वहीं ईरान के खैबर शेकन ने इसराइल के 3 सैन्य अड्डों को 1 अक्टूबर के दिन जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था। वहीं ईरान की हज कासिम मिसाइल भी इसराइल के ताबूत में आखिरी किल ठोक सकती है। हज कासिम की रेंज 1400 किलोमीटर है। ईरान के मिसाइल हमले के भीषण खतरे को देखते हुए अमेरिका और इसराइल ने युद्ध स्तर पर रणनीति तैयार की है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका और इसराइल में एक सीक्रेट डील हुई है जिसके तहत इसराइल फ्रंट पर रहकर ईरान के अंदर हमले करेगा और अमेरिका ईरान के अंदर गृह युद्ध की आग भड़काएगा। अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ इस 2 फ्रंट वार की तैयारी पूरी कर ली है। 10 अक्टूबर को देर रात इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक हुई। इस सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक में ईरान पर हमलों के मुद्दों पर वोटिंग हुई। पूरी कैबिनेट ने ईरान पर हमले का समर्थन किया है। इस बैठक को ईरान पर हमलों से पहले अंतिम बैठक कहा जा रहा है। संकेत साफ है कि इजरायल के प्लान में अब कोई बदलाव नहीं होने वाला है। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने सबसे विनाशक संकेत दिए हैं। गैलेंट ने कहा है कि स्वर्ग के द्वार खुल चुके हैं, सही समय आ चुका है। इस बयान का मतलब माना जा रहा है कि इजराइल ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमले करने वाला है। कि हम लोग आयु התקפות מדויקות. חיל האוויר לא נפגע. כל המסלולים פועלים. इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि प्रॉक्सी ईरान के हाथ पैर हैं, अब इन्हें काटने के बजाय इनका सिर कुचलने का वक्त आ चुका है।
इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है ईरान, क्योंकि ईरान की वजह से ही इसराइल को 7 फ्रंट पर जंग लड़नी पड़ रही है। इसराइल को लेबनान, गाजा पट्टी, इराक, वेस्ट बैंक, सीरिया, यमन और ईरान से जंग लड़नी पड़ रही है। इन सब का शक्ति केंद्र तेहरान है और अगर तेहरान को खत्म कर दिया गया तो इसराइल के इन दुश्मनों की ताकत अपने आप खत्म हो जाएगी। अब देखना होगा ईरान इसराइल पर पहले बड़ा हमला करता है या फिर इसराइल ईरान का वही हाल करेगा जो गाजा और लेबनान का इस वक्त हो रहा है। इसराइल ने लेबनान के बारजा में बहुत बड़ा हवाई हमला किया। आईडीएफ की एयर स्ट्राइक में कई बहुमंजिला इमारतें जमीन दोस्त हो गईं। तो वहीं दक्षिणी लेबनान के नकौरा में भीषण लड़ाई जारी है। दक्षिण लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना के हेडक्वार्टर पर भी हमला हुआ और यहां तैनात एक जवान को भी गोली लगी। वॉर जोन की तरह ही डरावना अपडेट ईरान से आया है, जहां ईरान इसराइल ने एक नई तरह का हमला शुरू कर दिया है। एक अक्टूबर को ईरान ने जहां टारगेट सेट किए थे वहीं पर 200 मिसाइलें गिरी, फटी और इसराइल धुआं धुआं हो गया। लेकिन अब खामेनेई के ऑर्डर पर मिसाइलें जिस लोकेशन पर हमला करेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बटन दबने के बाद इन्हीं मिसाइलों को इसराइल कंट्रोल में लेकर टारगेट सेट कर सकता है। ये तो बिल्कुल ताज्जुब की बात है, लेकिन याद करिए कि कैसे बेरूत में हिजबुल्ला लड़ाकों के पेजर फटने लगे थे, कैसे उनके वॉकी टॉकी बम बन गए थे। इसराइल ईरान को भी उसी तरह दहला सकता है, इसकी रिहर्सल हो गई है। इसराइल हमास और हिजबुल्ला के बाद तीसरे नंबर पर तेहरान का दहलाना तय है। इसराइल से दुश्मनी कितनी भारी पड़ती है ये गाजा की इन तस्वीरों से समझिए। यहाँ पे एयर स्ट्राइक हुई है, ये आप देख सकते हैं। अभी लोग जो जख्मी हुए हैं उनको निकाला जा रहा है, एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगातार इसराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और हिजबुल्ला भी लगातार इसराइल पर नॉर्थ के साइड से हमले कर रहा है। तो फिलहाल ये जो आप इर्द गिर्द देख रहे हैं ये रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें हैं जो यहाँ पे अभी पहुँची है। अभी ये कह पाना मुश्किल है कि अंदर क्या हुआ है, लेकिन यहाँ से ये है ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। शुक्रवार रात से उठा जबालिया में बारूदी जलजला अब जाकर शांत हुआ, लेकिन इसकी चपेट में आकर 22 लोग बेमौत मारे गए, 90 की जिंदगी दांव पर लगी है। इसराइल इसी तरह वेस्ट बैंक में हमास को बेरहमी से पीट रहा है, लेकिन रफा में कासिम ब्रिगेड जोरदार पलटवार करने लगी है। कासिम ब्रिगेड ने इसराइल के 2 टैंक और बुलडोजर के चीथड़े उड़ा दिए हैं। अल जनैना इलाके में यासीन 105 एंटी आर्मर विस्फोटक गोले का इस्तेमाल करके इजरायली सेना के 2 मरकावा टैंक और 1 D9 बुलडोजर को बर्बाद किया गया है। हालांकि हमास और हिजबुल्ला दोनों को तेहरान से आए अलर्ट ने सन कर दिया है। ईरान में 11 अक्टूबर को कुछ ऐसा हुआ जिससे ईरान की मिसाइल लॉन्च तो होगी लेकिन फटेगी वहां जहां नेतन्याहू चाहेंगे। हिजबुल्ला के रॉकेट उड़ेंगे लेकिन फटेंगे वहां जहां इजराइल की आर्मी तय करेगी। हमास और हूती के हथियारों का यही हाल होने वाला है। इजराइल के दुश्मन अब अपने ही हथियारों से जलेंगे। नेतन्याहू ने साइबर युद्ध शुरू कर दिया है। इजराइल हाईटेक लड़ाई से सभी दुश्मनों का सफाया करने जा रहा है, पहले गजा, फिर बेरूत और अब तेहरान का नंबर। इसराइल के टारगेट सेट है, टाइमिंग फिक्स है, तबाही का लेवल भी लॉक है। एक एक कर दुश्मनों का सफाया, शहरों की बर्बादी, दुश्मन ग्रुप की पूरी लीडरशिप का खात्मा। नेतन्याहू ने हमास और हिजबुल्ला को जिस तरह कुचला है उससे भी खौफनाक अंजाम ईरान को भुगतना पड़ सकता है। इसका ट्रेलर 11 अक्टूबर को इसराइल ने दिखा दिया है। शनिवार को ईरान की वर्ल्ड लाइफलाइन हैक कर दी गई थी। इसराइल ने ऐसा कुछ किया जिससे तेहरान में कोहराम मच गया। आधी रात को इसराइल वॉर रूम ने ये मैसेज सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तेहरान को थ्रेट से अलर्ट भी कर दिया है। ईरान में साइबर अटैक हुआ, इस अटैक के मायने क्या है? क्या ईरान में सब कुछ इसराइल कंट्रोल कर सकता है? डिटेल डरावनी है, इसराइल के दुश्मनों के लिए भयानक। जानेंगे नेतन्याहू का मोस्ट पावरफुल वॉर प्लान,
200 मिसाइल हमलों के बाद का पूरा ब्लूप्रिंट। मगर वॉर जोन का ये विध्वंसक दृश्य देखने चलिए। हाइफा, गैलीली और लेबनान बॉर्डर पर इसराइल की जमीन जल रही है। देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये जो घर है वो पूरी तरह से उजड़ गया है, और कुछ ऐसे मिसाइल और रॉकेट प्रोजेक्टाइल होते हैं जो बासिंदे जो यहाँ के हैं इजरायली उनके घरों तक पहुंच जाते हैं। अब आप देखिए तस्वीर कि जो यहाँ पर मिसाइल गिरी उसकी वजह से ये जो सोलर सिस्टम है पानी गर्म करने के लिए, बेसिकली ये सोलर सिस्टम है, वो पूरी उसके कांच जो है टूट गए हैं, बिखर गए। देखिए कांच के टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सोलर सिस्टम पूरी तरह से नष्ट हो गया है। हिजबुल्ला ने हाइफा को बेहिसाब रॉकेट से छलनी कर दिया है। रॉकेट स्ट्राइक देर रात में शुरू हुई और भोर तक इसराइल को झुलसाती रही। जब हाइफा में रॉकेट फट रहे थे तब बेरूत में भी बारूदी धमाके से धरती थर्रा रही थी। बेरूत के आसमान में काला धुआं 12 अक्टूबर की सुबह तक उठता रहा। इसराइल ने अंधाधुंध हमले के साथ लेबनान में हिजबुल्ला को 22 शहरों में डेथ वारंट का इश्तेहार छापा है। ये जो आप इर्द गिर्द देख रहे हैं ये हर तरफ से तबाही है। मैं दूसरे साइड से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ की गाड़ियाँ किस तरीके से बर्बाद हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे लगातार इसराइल की तरफ से स्ट्राइक्स की जा रही हैं, और यहाँ पर इसराइल को लगा था कि हिजबुल्ला के कमांडर इस एरिया में है, और जहाँ पे भी उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है वो उन्हीं इलाकों को बर्बाद कर देते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बड़े पैमाने पे यहाँ तबाही हुई है। जहाँ पे भी आप नज़र दौड़ाएंगे वहाँ पे तबाही दिख रही है, तबाही के मंजर न्यूज 18 नेटवर्क पे आप देख सकते हैं। इसराइल ने लेबनान के एता अल शाब, रामिया और हनीन जैसे 22 इलाके हिजबुल्ला लड़ाकों को खाली करने के आदेश दिए हैं। IDF ने 22 इलाके खाली कर अल अवली सागर की तरफ भाग जाने का फरमान सुनाया है। दक्षिणी लेबनान में इसराइल ने तूफानी हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइल ने लेबनान के माइसरा केसरवेन पर भीषण हमले किए हैं। दक्षिण लेबनान के बारजा में भी IDF ने जंगी जेट से बेहिसाब बम बरसाए हैं। उधर बेरूत में भी इसराइल बारूद की मात्रा कम नहीं पड़ने दे रहा है। इस बीच बेरूत में मारे गए हिजबुल्ला के टॉप कमांडर और ईरान के कमांडर के शवों की शिनाख्त भी हो गई है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स के टॉप कमांडर अब्बास नील फुरुशान की डेड बॉडी भी मिल गई है। IRGC कमांडर अब्बास की मौत नसरल्ला पर हुए हमले में हुई थी। कितनी तबाही हुई है यहाँ पे, मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि यहाँ पे रॉकेट गिरे हैं और रॉकेट की वजह से आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स में यहाँ पर क्या तबाही हुई है। सब कुछ बिखरा पड़ा है और कई लोगों की मौत हुई है इस हमले में, और लगातार इसराइल की तरफ से रॉकेट्स दागे जा रहे हैं और हिजबुल्लाह की तरफ से भी अटैक किए जा रहे हैं। बेरूत में भीषण बमबारी हो रही है, और इस बीच एक बार फिर से ईरान ने लेबनान के समर्थन की बात की है। ईरान के संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर बेरूत में हैं और इजरायली हवाई हमलों से बचे खंडहरों का दौरा कर रहे हैं। बेरूत की बर्बादी की तस्वीरें ईरान के संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने भी महसूस की। ईरान दौरे पर पहुंचे गालिबफ ने बेरूत में उस जगह का दौरा किया जहां नसरल्ला मारा गया। बारूदी खंडर के ढेर को देख ईरान के पूर्व सैन्य कमांडर गालिबफ का खून खौल गया। गालिबफ ने नसरल्ला की मौत की जगह से ऐलान किया है कि सुप्रीम लीडर खामनेई ने इसराइल की तबाही तक हिजबुल्ला का युद्ध में साथ देने का ऐलान किया है। अपने भाषण के बाद गालिबफ ने लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती से मुलाकात की है। इस बैठक के बाद हिजबुल्ला के मीडिया ऑफिसर हज मोहम्मद अफीफ ने नेतन्याहू को डायरेक्ट धमकी दी है। हिजबुल्ला और ईरान की धमकियां एक तरफ हैं और दूसरी तरफ है इसराइल का नेक्स्ट एक्शन। इसराइल ने साइबर अटैक के थ्रिलर एक्शन से तेहरान की टेंशन बढ़ा दी है। इसराइल का साइबर हमला शुरू हो चुका है जो कि हर गुजरते दिन बड़ा और विस्फोटक होता जाएगा। ईरान के साइबर स्पेस के पूर्व सचिव फिरोजाबादी ने ईरान इंटरनेशनल के हवाले से दावा किया है कि ईरान पर बहुत बड़ा साइबर हमला हुआ है। साइबर अटैक के दायरे में ईरान हुकूमत का हर महकमा आया है, यहाँ तक कि ईरान के न्यूक्लियर साइट को भी साइबर अटैक से निशाना बनाया गया है।
साइबर अटैक की जद में ईरान के बंदरगाह, ट्रांसपोर्ट, ईंधन सप्लाई सिस्टम तक आए हैं। साइबर अटैक का असर तेहरान से लेकर ईरान के सभी बड़े शहरों में दिखाई देने लगा है। साइबर अटैक के बाद ईरान के सभी सीक्रेट उड़ा लिए गए हैं, मतलब ये कि ईरान के हथियारों का रिमोट कंट्रोल अब तेल अवीव में है, जिसे जब चाहे इसराइल दबाएगा और ईरान को दहलाएगा। हाईटेक लड़ाई में इसराइल की साइबर आर्मी बेजोड़ मानी जाती है, जो जब चाहेगी तेहरान को कबाड़खाने में बदलने का दम रखती है। तकनीक के दम से जीते जाते हैं, ईरान को भी ये पता है, इसलिए साइबर अटैक के बाद ईरान ने बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। ईरान के उड्डयन मंत्रालय ने मोबाइल के अलावा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर बैन लगा दिया है, यानी प्लेन में पेजर और वॉकी टॉकी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। हिजबुल्ला के पेजर और वॉकी टॉकी को तेल अवीव में बैठकर बम बनाकर उड़ाने का नमूना इसराइल पहले ही दिखा चुका है। इसके बाद ईरान के साइबर वर्ल्ड में सेंधमारी ने नेतन्याहू की पावर को डबल कर दिया है। ईरान के सभी हथियारों को हैक कर इसराइल ईरान से बदला लेना शुरू कर सकता है। इसराइल के हाथ अगर ईरान की मिसाइल सिस्टम की चाबी होगी तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि युद्ध का नतीजा क्या होगा। इसराइल से मिले झटके के बाद अमेरिका ने भी ईरान पर करारा प्रहार किया है। अमेरिका ने ईरान पेट्रोलियम कारोबार से जुड़े 6 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका ने ईरान के 6 जहाजों को ब्लॉक्ड प्रॉपर्टी के रूप में पहचान भी की है। ईरान की 10 वित्तीय संस्थाओं पर अमेरिका ने बैन लगाया है। इनके 17 जहाज के कारोबार भी ठप कर दिए गए हैं। ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर बना हुआ है। इसराइल कभी भी 1 अक्टूबर का बदला लेना शुरू कर सकता है। अमेरिका इसी ताक में बैठा है कि इसराइल ईरान को दहलाए और फिर सुपर पावर शिया आर्क पर अपना टोटल कंट्रोल जमा ले। लेकिन ईरान भी झुकने को तैयार नहीं। इसराइल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान अपनी सेना लेबनान में उतार सकता है। मोहम्मद बागेर गालिबफ की बेरूत विजिट को इसी वॉर प्लान का सिग्नल बताया जा रहा है। लेबनान में ईरान के आने भर की देर है, फिर आर पार का युद्ध शुरू होगा जिसमें सभी लिमिट क्रॉस होनी तय है। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।